नंबर थ्री पे है वो फिल्म जिनमें बिपाशा ने मेकअप पोतने से इनकार कर दिया। बिपाशा वॉज सीन इन अ डी ग्लैम अवतार इन मधुर भंडारकर फिल्म कॉर्पोरेट विच जनरेटेड लेस फेस एट द बॉक्स ऑफिस देन द कोलास इन्वॉल्वड इन द मूवी। व्हाइल क्रिटिक्स ने ये कहा कि बिपाशा के चेहरे पे फाइनली एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, यूरेका, द फिल्म डिडंट जनरेट सो मेनी बबल्स ऑफ एंथुसियाज्म। लेकिन ऑब्वियसली जब एक बार गलती से इंसान कुछ ज्यादा सीख नहीं पाता तो वही गलतियां बार बार दोहराता है। Maybe that's why Bipasha decided to do two more D-glam roles in Lamha and Akrosh. Lamha mein Bipasha played an activist in Kashmir while the role was challenging and Bippu's performance was quite convincing. Lekin Bipasha ko is no makeup look mein log unhe accept hi nahi kar paaye. Wo kahin se bhi ek Kashmiri girl nahi lag rahi thi. Halanki film mein Bips ne traditional Indian dresses pehni aur acting karne ki koshish bhi ki. Lekin kya kare? Jo uthte hi mini skirt pehnti ho unhe अचानक से सर से पांव तक ढका हुआ देखकर पेट में दर्द होने लगता है। Bipasha does not lose a single opportunity to flaunt her curves in dangerously short dresses or add that extra dash of glitter and bling. लेकिन अगर आप ही अचानक लिटिल ब्लैक ड्रेस से साड़ी में सती सावित्री बन जाएंगी तो हमारी गर्ल नेक्स्ट डोर क्लासिफाइड एक्ट्रेसेस क्या करेंगी? Bipasha, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन आपका ये सीधा साधा अवतार लोगों को हजम नहीं होता। अब इतनी मेहनत करके बॉडी शॉट बनाई है, डीवीडी निकाली है, तो why waste time trying to do D-glam and losing your fan base? Trying non-glam roles and failing is your folly number 3.